नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जुड़ गई हैं और आप देख सकते हैं आज सुबह 6:30 बजे से जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, प्रियंका गांधी अगले 4 दिन तक उनके कदम से कदम मिलाएंगी। मगर बड़ा प्रश्न ये कि जिस तरह से राहुल और प्रियंका ये तीर कमान चला रहे हैं, क्या इस तस्वीर से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है? इस तीर का निशाना कहां है? क्या निशाना लगने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है कि वो अनाप शनाप बयान दे रही है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। ये अतिशोक्ति नहीं होगी दोस्तों, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखला रहा हूं जिसमें राहुल और प्रियंका साथ मिलकर तीर कमान चला रहे हैं, ये इस भारत जोड़ो यात्रा की सबसे निर्णायक तस्वीर है, सबसे निर्णायक वीडियो है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। वो राहुल गांधी के बुजुर्गों तक को खींच लाए, ये तक कह दिया कि राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं दरअसल अपने बुजुर्गों के की हरकतों उनके पापों के प्रायश्चित के तौर पर कर रहे हैं। यानी कि अगर बीजेपी किसी पर हमला करना चाहती है तो उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखाएं नहीं है। वो किसी के पिता, किसी की मां, किसी की पत्नी, यहां तक कि किसी के परदादा तक पर भी हमला कर सकते हैं। सुनिए जेपी नड्डा ने किस तरह से हमला बोला है राहुल गांधी पर। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा पर है। अफजल गुरु के साथ ही जो जेएनयू में थे उनके साथ तो वो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहे हैं। तो देशद्रोहियों के साथ तो वो पहले से खड़े रहे हैं। उनके परनाना ने धारा 370 लगाई थी जिसके चलते जम्मू कश्मीर मुसीबत में पड़ा, और मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया, तो देश को तोड़ने का काम किया। तो वो प्रायश्चित यात्रा में निकले हैं अपने बुजुर्गों की प्रायश्चित में। देश को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और मजबूत राष्ट्र मोदी जी ने बनाने की कोशिश की है। भारत जोड़ो यात्रा का एक असर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को देखकर बीजेपी नेता अपना कार्यक्रम बनाते हैं। प्रधानमंत्री खुद 4 दक्षिण भारत राज्यों का उन्होंने दौरा किया जब भारत जोड़ो यात्रा उन 4 दक्षिण भारत राज्यों से निकली। वहाँ 2 दिन की यात्रा की, वहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी लिए, शिलान्यास किया, वो सब पहले से ही बना हुआ था। तो अगर शिवराज सिंह जी पहले गए थे, ठीक है, वो जानते थे कि भारत जोड़ो यात्रा आज राहुल जी वहाँ जा रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले वहीं चले। मगर बात यहाँ नहीं रुकती, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर यह हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने तो राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर डाली थी। जी हां, सद्दाम हुसैन से। और उसके बाद इनके तमाम जो पालतू मीडिया न्यूज चैनल्स हैं उस पर डिबेट करने लग गए। ये देखिए साहब, जी न्यूज ताल ठोकरा है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी में सद्दाम दिखता है। आज तक के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर डिबेट हो रहा है कि बात अब चेहरे पर आ गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इन डिबेट्स में कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी के जो सलाहकार हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो भी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि यह मुद्दा मैं आपके सामने क्यों उठा रहा हूं, यह मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उसके बाद जयराम रमेश आते हैं और कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि कुछ न्यूज चैनल्स राहुल गांधी की दाढ़ी पर डिबेट कर रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा के वाहियात बयान पर डिबेट कर रहे हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आचार्य प्रमोद कृष्णम को नहीं कह सकती थी कि आप इस डिबेट में क्यों गए? ये बात अलग है कि एक अन्य डिबेट में वो ये भी कह रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो अडानी के समर्थक हैं, न जाने एजेंट है, न जाने क्या कुछ ऐसे ही बोला था। यानी कि बेसिकली कहना ये चाहते थे कि वो अडानी समर्थक हैं। तो ये जो कांग्रेस के अपने घर में ये तमाम जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं कि करके, ये बात हजम नहीं होती दोस्तों। मैं आपको बतला रहा हूं कि किस तरह से शालीनता की तमाम हदों को भारतीय जनता पार्टी नेता पार कर रहे हैं। 2 मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, पहले खुद जेपी नड्डा जो राहुल गांधी के बुजुर्गों यानी पंडित नेहरू पर पहुंच गए, दूसरे हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन बना दिया,
बात वहां नहीं रुकी। ये भाजपा का एक छुटभैया नेता है अरुण यादव, जो ट्विटर पर अनाप शनाप वाहियात जो है ट्रेंड चलाते रहता है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, राजस्थान से एक विधायक हैं दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा को राहुल गांधी गले लग रहे हैं और उनके माथे को चूम रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर अरुण यादव, जो कि भाजपा आईटी सेल में हुआ करता था, जो कुछ दिनों पहले एक बहुत ही वाहियात और अश्लील बयान हजरत मोहम्मद साहब के बारे में दे रहा था, अब वो यहां पूछ रहा है कि इस पर कैप्शन दीजिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि भाजपा के नेता, उनका जो दिमाग है वो एक ही जगह के आसपास घूमते रहता है, वजह क्या है इसका? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी तो कई प्रकार के उन पर हमले हुए थे। आपको याद होगा बीजेपी की एक महिला नेता थी, उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी इस तरह से लड़कियों को झपट क्यों लेते हैं। आपको ये भी याद होगा दोस्तों कि भाजपा तमिलनाडु आईटी सेल का एक नेता था, उसने ये तक कह दिया था, और वो तस्वीर थी जिसमें राहुल गांधी अपनी भांजी की हाथ की मेहंदी देख रहे थे, उस पर भी उन्होंने अश्लील टिप्पणी कर दी थी। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, आखिर ये क्या बीमारी है कि भाजपा के नेता इस तरह से नेताओं के परिवारों पर, नेताओं के रिश्तेदारों पर, या अगर कोई पुरुष और महिला मिले तो इस पर इस तरह की अश्लील टिप्पणियां करते हैं। बहरहाल विधायक दिव्या मदेरणा ने इसका पलटकर जवाब दिया है, और क्या जवाब दिया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिव्या महिपाल मदेरणा का यह बयान, मैदान में जब भी कोई शस्त्र नहीं बचे हो वार करने के लिए, तब व्यक्तिगत और अनर्गल निजी आरोप के तीरों से प्रहार करो, इससे नीचतम स्तर की राजनीति हो ही नहीं सकती। दोस्तों बात सिर्फ भाजपा के नेताओं की नहीं है, आपकी स्क्रीन पर यह है हनुमान बेनीवाल, ये सांसद हैं और राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं। ये लोकसभा चुनाव जीते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में, और पिछले साल इन्होंने किसान आंदोलन का जो है वो साथ दिया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि अब भाजपा से उनका मोहभंग दिख रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अशोक गहलोत के करीबी हैं, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह का अश्लील बयान दिया है, आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान, उन्होंने राहुल गांधी से क्या कहा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिस तरह आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो, ये क्या कोई इंग्लैंड और अमेरिका थोड़ी है जो आधे कपड़ों में लोग घूम रहे हैं? हमारे कई किसान की बेटियां और अभिनेत्रियां राहुल से चिपक चिपक कर फोटो ले रही हैं, उससे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? यहां पर वो कहीं ना कहीं दिव्या महिपाल मदेरणा, जो कि एक विधायक हैं राजस्थान से, उन पर हमला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि चिपक कर आप मुख्यमंत्री थोड़ी ना बन जाती हैं? ये कहीं ना कहीं बतला रहा है, देखिए मुद्दा सिर्फ बीजेपी का नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नहीं है, हालांकि बीजेपी के करीब ही रहे हैं एक जमाने में, वो भाजपा के 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक यात्रा कर रहा है और उससे आकर महिलाएं मिल रही हैं, बच्चे मिल रहे हैं, तो उस पर अश्लील टिप्पणी आखिर क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी हो गया है कि भारतीय राजनीति जो है ना उसे डिटॉक्स किया जाए, यानी कि जो गंदगी इनके जहन में भर गई है उसे साफ किया जाए, जो कचरा आपके दिमाग में भर गया है उसे साफ किया जाए। क्योंकि जब तक आपके जहन में कचरा रहेगा, ये गंदगी रहेगी, आपको क्या लगता है कि क्या आप जनता की नुमाइंदगी कर पाएंगे? मगर ये त्रासदी है कि ऐसे लोग भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे लोग सांसद भी हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी। बहरहाल बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।